हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशिफ और आप देख रहे हैं यूआई डेवलपर कोड। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम यूट्यूब थंबनेल बना रहे होते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, थंबनेल का रेजोल्यूशन कितना रखना होता है, थंबनेल की क्वालिटी क्या रखनी होती है और उसका इमेज का रेशो कितना होता है और यूट्यूब हमें क्या रिकमेंड करता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम इस थंबनेल पर वर्क करने वाले हैं। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो के लिए बनाया था, तो आप इसको देखकर इतना परेशान मत होइए। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक बताऊंगा कि थंबनेल को कैसे बनाते हैं, प्रोफेशनली थंबनेल को कैसे बनाते हैं। आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके ईजिली थंबनेल बना सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप थंबनेल बना सकते हैं, पर उनमें वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार फोटोशॉप की हेल्प से थंबनेल ज़रूर बनाएं। गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें YouTube क्या रिकमेंड करता है। अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ ऐड वीडियो थंबनेल, तो ये YouTube ने एक गाइडलाइंस बनाई हुई है कस्टम थंबनेल्स के लिए। ये है कस्टम थंबनेल्स बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो हम यहाँ देखते हैं कि YouTube हमें क्या बोलता है कि हमें थंबनेल कैसे रखना चाहिए। सबसे पहले YouTube बोलता है कि थंबनेल का जो साइज़ है वो 1280x72 पिक्सल होना चाहिए और इसका फॉर्मेट JPG, PNG इसमें होना चाहिए और थंबनेल की जो साइज़ है वो 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। थंबनेल का जो रेशियो होता है वो 16:9 रेशियो होना चाहिए। अब ये 16:9 रेशियो क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ फोटोशॉप में। अगर आप इस मेरी स्क्रीन को अच्छे से देख पा रहे हैं, तो जैसा कि YouTube ने हमें रिकमेंड किया है कि हमारी थंबनेल का साइज़ 1280x72 पिक्सल होना चाहिए। अब उसने हमें एक चीज़ और बोली है कि थंबनेल का रेशियो 16:9 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 1600 करता हूँ तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली 900 हो जाता है। तो इसका मतलब है जिस रेशियो में हम विथ बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में हाइट भी बढ़नी चाहिए। अगर मैं इसको 920 करता हूँ तो उसी रेशियो में ये हाइट भी बढ़ जाती है। तो गाइस, हम फिर से फोटोशॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और हम अपने न्यू डॉक्यूमेंट का साइज़ वही रख लेते हैं जो हमें यूट्यूब ने रिकमेंड किया है 1280x720। तो उसको जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। और सबसे पहले एक, जैसा कि हम इस बैनर में देख पा रहे हैं, मैंने एक बैनर बैकग्राउंड में एक बैनर लिया है, फिर कुछ टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा है और काफ़ी अच्छा टेक्स्ट लिखा गया है। आप इस टेक्स्ट को कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इसको अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग लिया है जो मैंने CSS पे वीडियो बनाई थी। तो चलिए सबसे पहले एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल में जाके एक फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ डेस्कटॉप पर मैंने पहले से ही एक डेस्कटॉप फाइल के नाम से एक बैकग्राउंड सेव किया हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको कॉपी करके हम अपने डॉक्यूमेंट में ले आते हैं। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं। अगर आप मैक यूज़र हैं तो Command-C और अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो Control-C। तो उसको कॉपी कर लेते हैं और अपने इस डॉक्यूमेंट में जो मैंने नया डॉक्यूमेंट लिया है यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी हम काम करते हैं वो फोटोशॉप की लेयर्स पे काम करते हैं। इस ये एरिया लेयर्स कहलाता है। यहाँ पे जो भी हमें काम करना है हमें हर काम को एक लेयर्स के ऊपर करना होगा। तो अब हमें अगर मुझे इस पे टेक्स्ट लिखना है या मुझे कोई स्ट्रिप लगानी है, बैकग्राउंड लगाना है, तो मुझे एक लेयर बनानी होगी। तो लेयर बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लेयर बन जाती है। लेयर बनाने के लिए हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ जो यूज़र्स हैं उनके लिए शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+Alt+N और जो मैक यूज़र होते हैं उनके लिए शॉर्टकट होती है Command+Option+Shift+N। तो मैंने एक पहले से एक लेयर ले लिया है यहाँ पर। तो मैं अब यहाँ पर जाकर एक शेप टूल ले लूँगा, इसको शेप बोलते हैं। शेप से मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। अब जब हम शेप ड्रॉ करता हूँ तो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो इसका स्ट्रोक होता है और एक इसका फिल मोड होता है। फिल मोड होता है इसका बैकग्राउंड कलर और जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक मतलब जो इसके बाहर एक बॉर्डर होता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो मुझे अभी तो स्ट्रोक नहीं चाहिए, मुझे तो एक वाइट बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्ट्रोक को जाके यहाँ से स्ट्रोक को हटा देता हूँ और इसका फिल मोड यानी कि जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं वाइट कलर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको वाइट ले लेता हूँ। ओके करता हूँ, देखिए ये वाइट हो गया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मुझे एक टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट, अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट टाइप करना है तो उसके लिए सिंपली टी टाइप कीजिए और जहाँ पे टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ
अभी मैं इस जो मैंने ये लेयर ली है, जो मैंने ये बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए एक शॉर्टकट होती है कंट्रोल जे, और मैक यूज़र्स के लिए कमांड जे। तो मैंने इसको एक कॉपी कर लिया। जैसे ही कॉपी किया आपने देखा यहाँ पे एक लेयर बन गई है। अब इस लेयर को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, उसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, जिसकी शॉर्टकट होती है विंडोज़ यूज़र्स के लिए कंट्रोल टी और मैक यूज़र्स के लिए कमांड टी। तो मैंने शॉर्टकट दबाई और उसके बाद ऐसी सिलेक्शन बन जाती है। और इसको हम ऐसे ड्रैग करके अपनी अकॉर्डिंग शेप कैसे भी बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। मैं एक और लेयर को भी कर लेता हूँ कंट्रोल जे दबा के। और इसका अगर मुझे अब कलर चेंज करना है, तो जिस लेयर का मुझे कलर चेंज करना है उसमें मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके डबल क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पर कलर ओवरले प्रॉपर्टी होती है, इस पर टैप करूँगा तो जौन सा कलर मुझे लेना है वो कलर बन जाएगा। और मुझे अगर इसका कलर चेंज करना है तो ये जो बॉक्स दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा और अपने अकॉर्डिंग इसको जैसा मर्जी करना होगा ऐसे कर लूँगा। यहाँ पर ओके कर दूँगा, ये हो जाएगा। सेम प्रोसेस मैं इस वाले डिप के साथ करूँगा। और मैं क्या करता हूँ, उस पर अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा गया है, स्टिकी हेडर ऑन स्क्रॉल। अभी आप देख रहे हैं ये जो मैंने टेक्स्ट लिया वो उस लेयर के नीचे छुप गया, क्योंकि ये लेयर नीचे बनी हुई है और ये वाली लेयर इसके ऊपर है। अगर मुझे इस टेक्स्ट को ऊपर लाना है तो मुझे ऐसे ड्रॉप ट्रैक करना होगा, और देखिए टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। अब इसका कलर मुझे चेंज करना है तो सिंपली मैं टी दबाऊंगा। टी दबाने के पर इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैं इसको क्लिक करके और इसको मैं वाइट कर दूंगा, ऐसे वाइट हो जाएगा। यहाँ पर इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है एक प्रॉपर्टी, इसको मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इन सब लेयर्स को क्लिक करके शिफ्ट अगर हम शिफ्ट दबा के रखेंगे तो साथ में सब लेयर सिलेक्ट होती चली जाएंगी। और फिर से मैं कमांड टी दबाऊंगा ताकि ट्रांसफॉर्म बन जाए, और इसको हल्का सा मूव कर लेता हूँ ऐसे, ताकि थोड़ा सा एक लुक आ जाए। तो गाइज आप देखोगे कि अब इसमें हल्का सा ये शेडो का इफेक्ट आ रहा है इस लेयर्स पर भी, और जो दोनों ऊपर लेयर्स हैं इन पर भी शेडो का इफेक्ट आ रहा है। तो हमें अभी शेडो का इफेक्ट कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। हम इस वाली लेयर को दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, उस लेयर को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इसको दोबारा से ट्रांसफॉर्म करते हैं कमांड टी दबाकर, और हल्का सा इसको रोटेट कर देते हैं हल्का सा, और इस लेयर को नीचे ले आते हैं ताकि ये लेयर इसके नीचे आ जाए। अब इस पर दोबारा से टैप करते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जो शेडो का कलर है वो हल्का सा डार्क मैंने डार्क रखा हुआ है, तो उसको हल्का सा डार्क कर लेते हैं। इस कलर का मैंने रखा हुआ है इसको, ताकि हल्का सा इफेक्ट आने लग जाए, तो उसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, ये इफेक्ट आ गया। सेम इफेक्ट हम इस बार इन दोनों पे के बैकग्राउंड के नीचे भी ले लेते हैं। तो सेम इसी को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको भी मैं हल्का सा सेट कर लेता हूँ और इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि ये पीछे छुप जाए। ये देखिए इफेक्ट आने लगा है। इस सेम इस शेडो को मैं इसके नीचे भी लगा लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब लास्ट में ये नो जावास्क्रिप्ट वाला एक टेक्स्ट रह गया है, इसको भी लिख लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी लेयर्स को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल जे दबा के। इसको मैंने नीचे कॉपी कर लिया और उसके अकॉर्डिंग जितना उसका साइज़ है उसका साइज़ में रख लेता हूँ।
उसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो ये शेप होती है इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो फिल मोड होता है और एक स्ट्रोक होता है। अभी यहाँ पर अगर मैं इस वाले डिज़ाइन में देखता हूँ तो इसमें ये स्ट्रोक यानी कि इसका बॉर्डर आ रहा है, इसका फिल मोड नहीं आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड नहीं है सिर्फ बॉर्डर है। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे सेम इसका बॉर्डर बनाना होगा, इसका बैकग्राउंड को हटाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ उसके बैग इस पे फिल पे क्लिक करता हूँ, उसका बैकग्राउंड यहाँ से क्लिक करके हटा लेता हूँ और उसके स्ट्रोक पे जाता हूँ और स्ट्रोक को लगा देता हूँ दोबारा से क्लिक करके और इसका कलर ये चूज़ कर लेता हूँ। और अब स्ट्रोक की प्रॉपर्टी आप देखेंगे 100 पिक्सल हो रही है, 100 पिक्सल की वजह से ये पूरा बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। इसको हमें कम से कम 5 पिक्सल कर लेते हैं। ये देखिए 5 पिक्सल करने से बैकग्राउंड ये बॉर्डर बन गया है। इसको मैं ट्रांसफॉर्म क्लिक करके हल्का सा सही कर लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, नो जावास्क्रिप्ट। इसको मैं ट्रांसफॉर्म को बड़ा कर देता हूँ और उसको अपने अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक और ले लेते हैं और हल्का शेप टू लेके हल्का सा यहाँ रेड कलर देते हैं जो हमें अपने उसमें दिखाई दे रहा है। तो इसका कलर भी गाइस हम रेड ले लेते हैं, स्ट्रोक को हटा के इसका कलर रेड ले लेते हैं, ये हो गया। तो गाइस हमने देखा कि हमने फोटोशॉप की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप इस बैनर को कैसे बनाया, काफ़ी कितना अच्छा बैनर लग रहा है, काफ़ी प्रोफेशनली बैनर लग रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप YouTube थंबनेल बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑनलाइन टूल्स या फिर फोटोशॉप। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ उसको आप सबसे पहले देख सकें।